अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकील पठान और आज मेरे साथ हैं असदुल्ला। और आज हम दोबारा जा रहे हैं शिमलाई बंसेर मंदरवाली और वहां जाकर आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगह है। हम लोग इस एरिया की तरफ रुख नहीं करते, आप इस एरिया की तरफ आएँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, आपको नज़र आ रही होंगी चारों तरफ। तो आज इस एरिया का आपको विज़िट कराऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। चलें मेरे साथ। क्या कर रहे अब बच्चा घूमने आए हुए? हाय 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 हाय, घूमने आए हुए बच्चे आप? चलो भाई, चलो चलें भाई। कौन सी जगह है ये? मंदरवाली अखिल भाई। हाँ, मंदरवाली कहाँ पर है ये? ये मंदरवाली बड़ग्राम से ऊपर आता है, शिमलाई। अच्छा, शिमलाई से ऊपर आता है मंदरवाली। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है कोई रहने वहने का सेटअप है कोई? सब कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है। अभी हम मंदरवाली पहुँच चुके हैं और मंदरवाली से हम जाएंगे ऊपर शिमलाई की तरफ। तो यहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, सुकून बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आते रहते हैं, इसको जाने दो पहले, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर आते हैं तो खूबसूरती उतनी बढ़ती जाती है और जो है वो सर्दी भी बढ़ती जाती है ना। नीचे इतनी सर्दी नहीं थी लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। क्या हुआ? तेर से कोई सही काम होगा सदुल्ला? नहीं, सही काम कहाँ हुआ भाई, ये बोतला भी पता है सारा नीचे रुड़ गया वहाँ। रुड़ गया? हाँ, किधर रुड़ गया? गिर गया वहाँ जी। हम लोग हैं इस वक्त शिमलाई में ना, तो यहाँ पर जंगली जानवर और इनका जो है ना शिकार, परिंदे वगैरह जो है इनका शिकार करना मना है, क्योंकि ये इस एरिए की जो है ना खूबसूरती के अंदर आते हैं ना, मतलब इस एरिए की खूबसूरती कहलाते हैं। अगर हम लोग इनका शिकार करते हैं तो ये जगह और इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए जो है यहाँ की जो है इंतजामिया ने भी इस चीज़ का कहा है कि आप ये काम ना करें, आप आएँ घूमें फिरें, यहाँ की हरियाली से लुत्फ़ अंदोज़ होएँ और मज़े करें यहाँ पर आकर। पर जो ये 4x4 जीप ही चलती है और इसी की हिम्मत है इतना ऊपर आने की, क्योंकि अल्टो मल्टो तो मेरे हिसाब से नहीं आ सकेगी यहाँ पर। और अभी हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे एक सरप्राइज़ है, बड़ी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है, मैंने फ़ोटोज़ में देखी थी और असदुल्ला मुझे वहाँ लेके जा रहा है।
वो आपको दिखाते हैं कि कैसी है। अच्छा, हिल तरंगड़ का जगह है। हिल तरंगड़ बटग्राम से अगर हम लोग आते हैं तो कितना रास्ता है फासला यहाँ पर का? तकरीबन डेढ़ घंटा लग गया। डेढ़ घंटा लगता है ऊपर आने का। और अगर हम लोग गाड़ी नीचे बटग्राम से करते हैं बुक यहाँ तक की शिमला तक की तो कितना किराया होता है उसका? 2000 रुपये। 2000 रुपये होता है। कितने बंदे आ जाते हैं एक जीप में? तकरीबन 10 आदमी। 10 आदमी आ जाते हैं। यहाँ पर आटा पीसा जा रहा है, वो भी पानी के प्रेशर से। पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी किस तरीके से इसको घुमा रहा है। और ऊपर से आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े दाने इसमें जा रहे हैं खेल के। और ये भुट्टे का आटा है, भुट्टे का। यहाँ पर जो है आटा पीसने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से देसी तरीके बनाए हुए हैं। तो आपने देखा ऊपर से किस तरीके से पानी को ये लोग स्टॉक करते हैं, फिर पानी नीचे पाइप से नीचे आता है और फिर वहाँ जाकर नीचे चक्की में जो है ये लोग हर किस्म का आटा जो है वो पीसते हैं और फिर यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको ये फरोख करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिमलाई में। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको ये खूबसूरत झरना नज़र आएगा और कुदरती मनाजिर यहाँ बेशुमार हैं, एक से एक बढ़कर एक है। और ये तो जन्नत का नज़ारा पेश करते हैं। अली जो है वो बिल्कुल भी जो है ना सब्र नहीं करता, पानी देख के मुझसे ज़्यादा पागल है और मेरा बेटा उससे ज़्यादा पागल है। तो अली जो है वो यहाँ पर भी झरने पर चला गया और यहाँ पर पानी के मज़े ले रहा है। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं जाके नहाऊँ, लेकिन कपड़े जो है वो गीले हो जाएंगे और फिर मसला ख़राब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस तरफ लाजमी आए। नारायण का आगान सिर्फ नारायण में सिर्फ क्या है, एक बाज़ार है और झील सैफुल मलूक है, लेकिन यहाँ पर जितना जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरफ आएँ, इधर का विज़िट करें और कुदरती मनाजिर का मज़ा लें, तस्वीरें बनाएँ, वीडियोज़ बनाएँ। खाना पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कराची वालों को, लाहौर वालों को कि शिमलाई का ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। और पानी की बात कर लें आप, पहाड़ों की बात कर लें आप, लोगों की बात कर लें, तो किसी भी किस्म से ये जगह किसी भी किस्म से कम नहीं। तो अंसार भाई का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें यहाँ का आइडिया दिया कि आप ऊपर चलें, ऊपर ऐसी ऐसी जगहें। तो हम लोग इधर आए, इधर का विज़िट किया शिमलाई का। एंड में एक बार फिर मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि जो लोग भी कराची, हैदराबाद और सिंध से और पंजाब से इस तरफ नॉर्दर्न की तरफ आ रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं, तो वो लाजमी इस एरिया का विज़िट करें। बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग बटग्राम आ सकते हैं, बटग्राम से जीप लेके ऊपर आ सकते हैं। किराए का भी मैंने आपको बता दिया कितना किराया है और जगह भी मैंने आपको दिखा दी कैसी जगह है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी जो सारी मेहनत है यहाँ तक आया हूँ वीडियो बनाई है आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और मुझे और अंसार और कैमरे के पीछे हमारे कैमरा मैन असदुल्ला, उनको दीजिए इजाज़त। खुदा पमान, अल्लाह हाफिज़।